देखो गुदाम गेट ओपन सोसाइटी हुआ का तो हमें बोर्ड दिख रहा लगा है कि हुआ सामने है, यहाँ पर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई गई है। टॉप पर कृष्ण भगवान का फोटो लगा रहता है तो वो देखो यहाँ से हमें बाहर से विजिबल है। स्टूडियो देख रहे हो ना, इसी के अंदर टीएम के उसी के जो इंटीरियर हाउसेस है ना वो इसके अंदर बनाए गए हैं। यहाँ पर जो ये स्टूडियो के अंदर है ना केबीसी का सेट बना हुआ है, उसके हाउसेस भी इसी के अंदर बने हुए हैं। आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के फिल्म सिटी में। अक्सर तो मैं आपको है ना मुंबई का फिल्म सिटी ऐसे बाई वॉक ही नहीं घुमाता हूँ, टूर देता हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम है ना हम लोग, मैं आपको बस टूर में लेकर जाने वाला हूँ। जैसे बस टूर यहाँ पर फिल्म सिटी की ये ऑफिशियल बस टूर होती है जो आपको सेट के बाहर से सारा टूर देती है। तो देखो फिल्म सिटी के अंदर है ना काफी सारे रियलिटी शोज, सीरियल्स के और मूवीज के सेट लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर कपिल शर्मा शो, तारक मेहता उल्टा चश्मा, केबीसी, इंडिया आइडल, बिग बॉस और भी काफी सारे शोज और मूवीज के शूट यहाँ पर चलते हैं। लेकिन ये देख रहे हो ना ये तरफ यहाँ पर मेन गेट है अपने फिल्म सिटी का। यहाँ पर जो वॉकिंग करने वाले रहते हैं, जो काम करने वाले लोग रहते हैं, वो यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ पर एक बॉलीवुड फार की ऑफिस बनी हुई है, 1000 रुपीज पर पर्सन की टिकट लेकर आपको, मेरे पीछे आप देख सकते हो ऐसी यहाँ पर एयर कंडीशन बस होती है जो आपको है ना अंदर ले जाएगी और अंदर से आपको ये फिल्म सिटी का पूरा गाइडेड टूर देगी जो कि आपके साथ में एक गाइड भी चलेगा। देखो अभी हम लोग बस के अंदर तो आ चुके हैं, देखो भी है ना एयर कंडीशन बस होती है। और ये देखो सामने ये है यहाँ पर फिल्म सिटी का मेन गेट और सिक्योरिटी, आप देखो सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रहती है, किसी को भी ऐसे ही यहाँ पर वॉकिंग करने नहीं दिया जाता है। पठान देखिए आप लोग, पठान में दुबई दिखाया गया था, पूरा दुबई इधर ही बनाया गया था। इसके अलावा कमांडो 3 के लिए पाकिस्तानी जेल इधर बनाया गया था, खिचड़ी 2 का पूरा शूटिंग इधर ही हुआ है, केरला स्टोरी में जो अफगानिस्तानी जेल दिखाया गया था वो भी यहीं पे ही बना है। राइट साइड में देखिए ये सेट है संजय लीला भंसाली का, गंगूबाई काठियावाड़ी, रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, कलंक, हैप्पी न्यू ईयर जैसी सारी मूवीज यहीं पे ही शूट की गई है। संजय लीला भंसाली की एक नई वेब सीरीज आ रही है हीरा मंडी, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी एक साल से चल रही है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अंदर आपको एक महल टाइप बना हुआ दिखाई देगा। सेट के अंदर ही देखिए थोड़ा सा वो जो पर्दे के पीछे आपको दिखेगा, मेहता का एक एपिसोड है जिसमें पोपटलाल की लाइफ में एक लड़की आती है साइकिल से और बहुत बारिश हो रही होती है, बाद में वो लड़की लड़का भी बन जाती है, याद है। राइट साइड में बीएनएसएस का बोर्ड देख रहे हैं, यहीं पे पोपटलाल खड़े होकर चने बेच रहे होते हैं और लड़की सामने से आती है ट्रिंग ट्रिंग करके। अभी हम लोग बस से उतर चुके हैं और ये हम लोग पहुंचे यहाँ पर टीएम के उसी के सेट के बाहर की तरफ। आप देखो ये सामने जो मेन गेट है यहाँ पर तारक मेहता का सेट बना हुआ है। देखो ये हम लोग तारक मेहता सेट के बाहर की तरफ खड़े हैं, सामने आप देख सकते हो गोकुलधाम सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है। तो और देखो गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो यहीं गेट के पास ही में बनाई गई है, तो इसी के अंदर पूरा तारक मेहता का गोकुलधाम सोसाइटी वगैरह बनी गई है। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखो वो आप येलो कलर के यहाँ पर जो सोसाइटी दिखते हो वो हमें यहाँ से विजिबल है। देखो गेट ओपन हुआ तो हमें दिख रहा है कि सामने यहाँ पर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई गई है जो कि जेठालाल की दुकान यहाँ पर दिखाई जाती है, उसके भी शटर अभी बंद पड़े हुए। तो देखो गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और गोकुलधाम सोसाइटी दोनों ही बाजू बाजू में ही बनाई गई है। देखो ये है तारक मेहता का सेट और उसी के बाजू में है ना यहाँ पर ये गार्डन का एरिया बना हुआ है, जो कि गार्डन का एरिया भी कई बार यहाँ पर कई सारी सीरियल्स में और टीएम के उसी में भी ये गार्डन हमें दिखाया जाता है। आप ये देख रहे हो ये स्टूडियो के अंदर है ना यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी बनाई गई है, तारक मेहता का सेट। तो यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी कैसी है, यहाँ पर सिर्फ वो सोसाइटी का सेट बना हुआ है, उसके अंदर रियली में कोई घर नहीं है। जो तारक मेहता में आपको घर दिखाए जाते हैं ना वो यहाँ पर दूसरे एक अलग से स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। तो वो देखो हमें सामने गोकुलधाम सोसाइटी दिखाई दे रही है, वहाँ पर जो वहाँ पर टॉप पर कृष्ण भगवान का फोटो लगा रहता है तो वो देखो यहाँ से हमें बाहर से विजिबल है। ये देखो यहाँ से हमें सोसाइटी के जो साइड्स के यहाँ पर विंग्स है ना वो यहाँ से विजिबल है, और जो आप टेम्पल देखते हो ना जो सोसाइटी के अंदर है तो वो यहाँ पर बना हुआ है। और ये आप देखो ये है तारक मेहता के बैक साइड का एरिया, तो यहाँ पर देखो अभी स्टूडियो वगैरह है ना टूटे पड़े हुए है, यहाँ पर हो सकता है और किसी यहाँ पर सेट बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा तोड़ा गया हो। ये वाले रोड कई बार देखे होंगे तो ये वाले रोड पर टीएम के उसी का बाकी सीरियल्स का ना यहाँ पर शूट हमेशा चलता ही रहता है। और देखो ये वाले रोड पर ही काफी बार यहाँ पर टीएम के उसी के शूट में भी दिखाया जाता है। देखो जो आप सामने वाला ये स्टूडियो देख रहे हो ना इसी के अंदर टीएम के उसी के जो इंटीरियर हाउसेस है ना वो इसके अंदर बनाए गए हैं। तो देखो टीएम के उसी के इंटीरियर हाउस ये रहे और ये तरफ देखो ये तरफ है ये गोकुलधाम सोसाइटी। तो अभी वापस से हम बस के अंदर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं अभी दूसरे लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हर एक पॉइंट पर है ना यहाँ पर जो आरपीएफ के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर आकर है ना बार बार चेकिंग करते हैं, किसी को भी यहाँ पर वॉकिंग्स के लिए ऐसे अलाउड नहीं होता है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है। ये हम आ गए बिग बॉस के सेट के बाहर, ये जो साउथ में बिग बॉस चलता है वो इसका सेट यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर सारे बिग बॉस के हाउसेस भी ये इसी के अंदर बने हुए हैं। हिंदी वाला बिग बॉस है वो इससे आगे बना हुआ है। ये हम आ गए दूसरे सेट के पास, यहाँ पर जो सीरियल गुम है किसी के प्यार में चलती है उसका सेट देखो यहाँ पर लगा है, पूरा उसका शूट है ना यही पर होता है। देखो अंदर की तरफ ये जाने का रास्ता है और यही भी अंदर सेट लगा हुआ है, उसका सेट है ना दूसरे लोकेशन पर लगा करता था लेकिन उसका सेट है ना शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा जल गया था। देखो ये वही वाला
मैदान है जहां पर पहले गुम है किसी के प्यार में वो सीरियल का सेट है ना यहाँ पर लगा हुआ होता था, लेकिन वो जलने के कारण है ना उसको दूसरा सेट है ना दूसरी जगह पर अभी बनाया गया है फिल्म सिटी के अंदर ही। अभी हम लोग बिग बॉस के सेट यहां पर आ चुके हैं। फर्स्ट टिकट भाई का नया लुक है, अभी 17वां सीजन शुरू हुआ है और इससे पहले जो एमसी स्टैंड जीता था वो इसी जगह से, यादव जी ने जीता था अभी लाइव आया था वो भी इसी जगह पे बनाया गया और अभी नया सीजन आएगा। ये प्रोडक्शन का नाम है, ये सब बिग बॉस का सेट है, लेफ्ट साइड ओल्ड मूवी जिसके लिए मैंने काम किया था राउडी राठौड़ चिता का जो सॉन्ग था वो इसी बिल्डिंग के फ्रंट वाले हिस्से में। मिशन मंगल नासा का ऑफिस दिखाएंगे, 1983 क्रिकेट क्लब दिखा देंगे, शेयर बाजार दिखाई देंगे हर्षद मेहता का, हम दूसरे सेट के पास आ चुके जो कि स्टार प्लस की सीरियल आती है ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसका सेट है ना देखो यहाँ पर बना हुआ है। ये देखो बाहर भी एक घर वगैरह बना हुआ है, ये घर अगर आप सीरियल में देखते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि मैं तो ये सीरियल को इतना फॉलो नहीं करता हूं। देखो ये सामने उनका पूरा घर बना हुआ है, तो ये पूरा सेट है ये रिश्ता क्या कहलाता है जो सीरियल आती है ये उसका सेट यहाँ बना हुआ है। ये हम आ गए फिल्म सिटी का ये फेमस कोर्ट रूम यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर रियली में कोर्ट रूम का सेट भी बना के रखा है और बाहर की तरफ भी काफी सारे सीरियल्स में दिखाया जाता है, जैसे तारक मेहता में जो गुलाबों वाला सीन था वो भी यहाँ पर बाहर की तरफ शूट किया गया था, खिचड़ी मूवी में भी ये वाला कोर्ट दिखाया गया था और काफी सारी नायक फिल्म में भी एक कोर्ट को दिखाया गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा का एक्सीडेंट दिखाया गया, सीआईडी वालों की फेवरेट जगह, कहीं डेड बॉडी नहीं मिलती यहाँ आ जाते हैं यहाँ से मिलता है, कोई मिल गया मैं जादू की एंट्री यहीं से दिखाई गई है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इसी को देख। अभी हम बस से उतर के अपनी दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं। ये देखो ये सामने जो आप घर बने हुए देख रहे हो ना ये वाले घर के बाहर यहाँ पर जो बागबान मूवी में दिखाए जाते हैं और वो मूवी का जो फेमस सॉन्ग है जो होली वाला, तो वो होली वाला सॉन्ग है ना पूरा ये घर के बाहर यहाँ पर शूट किया गया है। और फिर कोई मिल गया मूवी में भी ये वाले घर दिखाए जाते हैं। और अभी हम आ गए ये फिल्म सिटी का फेमस टेंपल जहां पर काफी सारे सीरियल्स इसके बाहर ही शूट होते हैं यही टेंपल में, तो जो टीएम के उसी में जो दया भाभी को खुशी मिलती है वो वाला सीन यहां पर शूट हुआ था, फिर टीएम के उसी में जो जेठालाल ने साला शांति हवन करवाया था वो उसमें भी यही वाला मंदिर दिखाया गया था, और फिर श्रीदेवी की नगीना फिल्म थी उसमें भी दिखाया गया था, और फिर काफी सारी ऐसी पुरानी फिल्मों में ये वाला मंदिर दिखाया जाता है। देखो ये मंदिर का है कुछ ओवरऑल लुक, लेकिन ये मंदिर के अंदर है ना कोई भी भगवान नहीं की मूर्ति भी नहीं रखी होती है, जब भी शूटिंग करना होता है तभी इसके अंदर भगवान की मूर्ति भी रखी जाती है। ये भी एक काफी फेमस घर है जहां पर जिसके बाहर अक्षय कुमार की एक एड फिल्म शूट हुई थी जो आपको हर थिएटर में मूवी से पहले वो एड देखने मिलती है, तो देखो वो वाली एड है ना यही घर के बाहर शूट की गई थी। ये देख रहा है ना स्टैंड टाइप लगा रहे लकड़ियों का, इसको ना पूरा कवर कर देंगे ब्लू कलर की शीट से जिसे क्रोमा बोलते हैं, उसके बाद उस पे कुछ वॉलपेपर या एडिटिंग के थ्रू यहाँ पे ये सब शूटिंग करेंगे। आप लोगों को हर बार ही लगता है कि वो अलग जगह शूट करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है, 70-80% शूटिंग यहीं पे ही हो जाती है। फिर पीछे देख सकते हो यहाँ पर जो ये स्टूडियो के अंदर है ना केबीसी का सेट बना हुआ है, आप देख सकते हो अमिताभ बच्चन के यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए, तो पूरा केबीसी शो है ना इसी के अंदर शूट होता है। ये देखो ये पूरा है ना यहाँ पर इंडोर स्टूडियो है इनका जिसके अंदर केबीसी का शूट चलते रहते। देखो आज तो यहाँ पर शूट नहीं हो रहा लेकिन जिस दिन शूट होता है ना तभी उस दिन है ना यहाँ पर अमिताभ बच्चन सर की कार भी यहाँ लगी होती है, और ये वैनिटी वैन देख रहे हो ना ये भी अमिताभ सर की यहाँ पर है। और यहाँ पर जो फिल्म सिटी के अंदर बॉलीवुड पार्क बना हुआ है आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, बॉलीवुड पार्क का गेट है, मैंने आपको इसके बारे में पर्टिकुलर पहले ही ब्लॉग बनाया हुआ है लेकिन आज भी आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या चीजें बनी है। देखो बॉलीवुड पार्क में ऐसे यहाँ पर है ना फेक बिल्डिंग्स भी बनाए गए हैं जो कि ये सारे है ना टूरिस्ट को सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ पर शूटिंग में सेट कैसे होते हैं, तो ये सारा जो यहाँ पर बिल्डिंग आपको देखने में कैसे हूबहू रियल लगती है लेकिन ये गाइज रियल नहीं है, ये पूरी है ना प्लाईवुड मटेरियल की पूरी बनाई गई है, तो यहाँ पर जो मूवीज में सीरियल्स में जो सेट बनाए जाते हैं ना वो भी ऐसे यहाँ पर प्लाईवुड मटेरियल के बनाए जाते हैं जो देखने में एकदम रियल लगते हैं रियल घर की तरह बिल्डिंग की तरह, और यहाँ पर ऐसे सेट बनाने के लिए है ना मूवीज वाले 5-10 करोड़ खर्चा भी करते हैं और उसको शूट करने के बाद वापस से डिसमेंटल भी कर देते हैं। जो फिल्म सिटी के अंदर जो सारी जगह भी होती है ना वो जगह भी वहाँ पर गवर्नमेंट की होती है और वो रेंट पर लेते हैं कुछ दिन के लिए, जितने दिन की उनकी स्क्रिप्ट रहती है जिनके जितने दिन का उनका शूट रहेगा तो उतने दिन के लिए वो लोग रेंट पर ले लेते हैं, फिर जैसे उनका शेड्यूल खत्म होता है ना तो उनको वो सारे सेट यहाँ पर तोड़ने पड़ते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा डेज तक यहाँ पर वो लोग रहेंगे तो उनको वहाँ उसका रेंट देना पड़ेगा, और रेंट आप सुनोगे ना तो यहाँ पर डे का रेंट है ना करीब 50,000 से 1 लाख के बीच में होता है पर डे का। तो देखो ऐसे यहाँ पर मूवीज़ को शूट करने के लिए ना करीब करीब 1-2 महीना लगता है और करीब 1-1 साल तक पूरा है ना सेट बनाने के लिए भी जाता है। तभी हम लोग फाइनली है ना फिल्म सिटी को एक्सप्लोर करके बाहर की तरफ वापस आ चुके हैं, एंट्री एग्जिट का यही यहाँ पर मेन गेट बना हुआ है, अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ये बस टूर में आ सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव होती है
लेकिन अगर आप फिर भी घूमना चाहते हो तो ऑफकोर्स आ सकते हो 1000 rupees पे कर। और हमारा टूर होता है वो 3 hours का होता है, जहाँ पर आपको फिल्म सिटी का टूर दिया जाता है और वो जो बॉलीवुड पार्क मैंने लास्ट में आपको दिखाया वो भी आपको दिखाया जाता है। अगर आप फिल्म सिटी में आओगे ना तो वो गेट के बाहर ही आपको ये बॉलीवुड पार्क की ऑफिस देखने मिलेगी। और यहाँ पर बस है ना हर आधे आधे घंटे में अवेलेबल रहती है, तो आप एनी टाइम यहाँ पर आ सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। जो मुंबई का फिल्म सिटी है ना ये 1977 में बना था और करीब आज से करीब 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इसको बने हुए। और ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने बनवाया था और उसके बाद जाकर है ना इसका नाम चेंज करके दादा साहब फाल्के चित्रानगरी कर दिया, जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, तो उनके नाम से फिल्म सिटी का नाम भी रख दिया। पूरा फिल्म सिटी है ना ये करीब 570 acres में फैला हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। अंदर आपको जंगल का एरिया, माउंटेन्स और काफी सारे ऐसे सीनिक ब्यूटीज आपको देखने मिलती है, और उसी के साथ यहाँ पर इंडोर स्टूडियोज भी काफी सारे बने हुए हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बस अभी हमें ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम गुड बाय।